हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने बताया था कि हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने नैनीताल नीम करौली कैंची धाम। तो फर्स्ट हमने क्या किया था, दिल्ली से गाड़ी ली आईएसबीटी से हम आए हरिद्वार से देन हम हल्द्वानी से फिर लास्ट स्टॉप था हमारा नैनीताल में हमने बस स्टैंड पे जो मेन बस अड्डा है मेरी बैक साइड पे, वहाँ से आपको मैं सब चीज़ बताऊँगा आपको कैसे कैसे आना, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। देन हमने क्या किया, हमने फिर थोड़ा बहुत सर्च किया, फिर हमें मिलता है क्या, मेरे बैक साइड में दिख रहा है अशोक होटल, बहुत ही रीजनेबल, सस्ता, कंफर्टेबल। और यार वुडन का वर्क हुआ है उस रूम में, आपको इतनी ठंडी में एहसास भी नहीं होगा कि आपने यहाँ स्टे किया आराम से अच्छे से। सेकंड उसके बाद जब हम यहाँ स्टे करने के बाद मैं आपको पहले होटल के बारे में बता, ये देख लीजिए आप बोर्ड से, और ये लोकेशन है अशोक होटल। देखिए यहाँ का स्टाफ ऑसम है, रिस्पेक्टफुली, और आपको हर चीज़ की सुविधा मिलती है यहाँ पे इस होटल के पास, इस होटल के अंदर ही। मैं आपको ऊपर जाके अपना ना रूम भी दिखाता हूँ उसके बाद। आप बिलीव नहीं करोगे कि जो हमें रूम मिला है किसी लग्जरी रूम से कम नहीं है वो। देखिए काफ़ी सारे रूम हैं इस होटल के अंदर, बट हमने जो एक्स्ट्रा पे देकर, वैसे 1000-1200 रुपये में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा, बट हमने 37 नंबर ही लेना, अगर कभी भी दो या तीन ग्रुप के आते हैं रूम, वुडिंग वर्क है। देखिए हेलो दीपक, ये मेरे पार्टनर है जो दिल्ली से मेरे साथ आए बाबा नीम करौली धाम के दर्शन करने। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इस कमरे का, जैसे गेट ओपन होता है वो सामने से बिल्कुल आप देखेंगे ना, बिल्कुल सामने से पहाड़ों के पीछे से सूर्य उदय होता है और सुबह सुबह सूर्यदेव के दर्शन करने को मिलते हैं। वहाँ देखेंगे पहाड़ों के बीच में ना बादल है, कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि यार हम ना प्लेन्स पे रहते हैं, ये लोग पहाड़ पे रहते हैं, तो इनके लिए तो आम बात है, बट हमारे लिए एक यूनिक चीज़ होती है, न्यू एक्सपीरियंस होता है। अब क्या करते हैं, हम निकलते हैं। ओके गाइज, चलो अब हम चलते हैं बाबा नीम करौली धाम के दर्शन करने कैंची धाम। हम रूम से चेकआउट भी कर रहे हैं, देन एक कैब बुक करेंगे, शायद हमारी कैब खड़ी है उस साइड पे, बाबा के दर्शन करने के बाद देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। एंड इट्स माय फर्स्ट ब्लॉग, मुझे नहीं पता, बट मैं आगे मैंने सोचा जब आया हूँ तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा ट्राई करूँ जो काफ़ी लोग करते हैं, क्या पता मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिले। अब इसके बाद क्या होगा, जब हम वापस बाबा के दरबार से दर्शन करके आएंगे, बाबा के वापस हम आते हैं यहाँ पर आपका नैनीताल में, फिर एक कैब बुक करनी पड़ेगी, फिर हम दूसरा अपना क्या करेंगे, जब तक यहाँ पे हमें समय, हमारे पास समय, हम इंजॉयमेंट करेंगे, जगह जगह घूमेंगे, और उस जगह का भी हम वीडियोस व्लॉग बना के आपको दिखाएंगे। सो बाय, जय बाबा की। तो अब हम चलते हैं, हमने क्योंकि एक्चुअली हमने ना कम बजट में भी गाड़ी बुक कराई है काफ़ी जगह घूमने के लिए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, 2500 रुपये में गाड़ी बुक हो जाती है। बहुत अच्छे लोग हैं यार ये उत्तराखंडी जो लोग होते हैं, बहुत ही ईमानदार, पोलाइट, उदार टाइप के होते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी गाड़ी की तरफ, नहीं चलते, हमारी गाड़ी आ चुकी है जो हमने बुक कराई थी। हेलो अंकल, कैसे हो? ठीक है सर। चलिए अभी हम चलते हैं बाबा नीम करौली कैंची धाम नैनीताल में। अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं हम, जय बाबा की, जय बाबा। ये गाड़ी हमारी चल चुकी है। नजारे देखो, नजारे आगे दिखाओ नजारे। ओके नजारे देखो यार, नजारे क्या सुंदर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत नजारे हैं यार ये उत्तराखंड की वादियों के। देखिए वाह, बट बहुत स्कैरी भी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग समतल साइड पे रहते हैं, प्लेन जगह पे रहते हैं, तो ये पहाड़ रहना, तो चीज दिखाते हैं। जब हम नीम करौली धाम कैंची धाम बाबा के हम जाते हैं, तो रूट पे रास्ते पे एक ना पॉइंट पड़ता है, सेल्फी पॉइंट। अब आपको उसे रूबरू कराते हैं हम। आइए अब हम अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं,
ये हम गाड़ी से अपने निकल गए। आइए दीपक जी, ये देखिए नजारा, और ये हमारा लव पॉइंट है, सॉरी सेल्फी पॉइंट है। अपना नाम बताइए। मेरा देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह है, कभी भी आए तो इनसे कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट, इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर हम अपने इंस्टाग्राम पेज एंड अपने यूट्यूब ब्लॉग में डालेंगे। अंकल मुझे जरा यहाँ के बारे में बताइए। कुछ नहीं, ये गाँव है सर, भूमियाधार कहते हैं इसको। यहाँ के जो मकान बनाने वाले मिस्त्री होते हैं ना, कारपेंटर, वो फेमस है। सारे मकान मकान बनाते मिस्त्री, अच्छे पुराने मिस्त्री है अंग्रेजों के जमाने के। अच्छा, ओके ओके। तो चलिए अंकल, थोड़ा वक्त का नजाकत देखते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके, अपनी गाड़ी में आ चुके हैं, अब हम फिर से निकल चुके हैं। आप नजारा देखते हैं हमारी लेफ्ट साइड पे। यार कैसे, इसे कलाकारी ही कहेंगे, सीरियसली सीरियसली यार, सीरियसली। आ गया क्या चिदम? नहीं तो आप, क्या बात है। भवाली कस्बे का नाम है, भवाली कस्बे का नाम, भवाली रूट जंक्शन है, चौराहा है। ओके 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 ओके। तो इतने सारे लोग क्यों है यहाँ पे, गाड़ी क्यों है, ये खड़ी है, ये चलती नहीं था। अच्छा 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 अच्छा, ओके चलिए चलते हैं बाबा के धाम, बाबा ने बुलाया है। अरे हम आ गए बाबा के धाम पर, ऊपर का व्यू देखेंगे थोड़ा। सामने से तो चलिए फाइनली हम आ चुके हैं बाबा के धाम। जय मेरी सच्ची सरकार, नीम करुली धाम। वो आगे फंस सकती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम और जगह भी घूम सके, इसलिए हम अपनी गाड़ी को यहीं इसी साइड पे लगाएंगे। थोड़ा वादियों का नजारा लो यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए चलते हैं, चले दीपक। हाँ, चुके हैं बाबा के दरबार में। पहले आपको ऊपर का ना व्यू दिखाते, नजारा दिखाते दीपक। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, वाह यार। मैं आपको थोड़ा पास ले जाके दिखाता हूँ, देखिए क्या अल्टीमेट नजारा है बाबा के दरबार का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मैं पहली बार आया हूँ बाबा के दरबार में। आई होप कि रश ना हो, और रश नहीं है ज्यादा, लोग काफी दिखते रहे ऊपर से। सो फाइनली हम बाबा के दरबार में प्रवेश करने जा रहे हैं। जय बाबा नीम करोली। मेरे हाथ का है, जय बाबा। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम नीचे जाते रहेंगे। देखो यार, मुझे प्रसाद के बारे में तो कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। ठीक है, ओ वाह यार, क्या बात है। लुक, शीतल जल, बाबा नीम करोली धाम। प्रसाद के लिए ज्यादा मशक्कत करने की आपको नीड नहीं है, बिल्कुल दरबार के बिल्कुल निकट पे ही आप यहाँ से सबसे पहले बाबा के लिए प्रसाद लेंगे, फिर अंदर जाके बाबा को प्रसाद समर्पित करेंगे। सो फाइनली हमने भी प्रसाद ले लिया है, और रीजनेबल प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस यहाँ का 100 रुपीज से स्टार्ट होता है आपका बाबा का जो प्रसाद है। सब इंटरेस्ट है हमारा बाबा नीम करोली धाम का, ये मेन द्वार है, यहाँ से अंदर जाएंगे। अच्छा, वैसे मैंने सुना बहुत था कि यहाँ पर काफ़ी क्राउड होता है, बट विंटर का समय है, यहाँ पे इतना क्राउड नहीं। आई होप कि मेरे भाई को, मुझे और आप सभी लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अंदर हम कैमरा कैमरा ले जा नहीं सकते, अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से जो भी कुछ है, हम अंदर, हमें ना अलाउड नहीं कैमरा ले जाना, तो नहीं अलाउड, नहीं अलाउड है। ठीक है, जो भी है वो सब यहीं है, आप यहीं से देखें। और थोड़ा सा एक ब्यूटीफुल नज़ारा देखिए, कितना शीतल और पावन जल है। मैं दोबारा आना चाहूँगा यहाँ पर सच में, और आप भी आइए विजिट कीजिए श्री नीम करोली कैंची धाम। अब हम वापस चलते हैं, बाबा के हमारे दर्शन हो गए और बहुत ही दिल को सुकून मिला। अरे एक अजीब सी पॉजिटिव सी फीलिंग आई थी इस साइड पे, इस जगह पे, मैंने बस सुना ही था बट ये सच है।
एक बार बाबा के दर्शन करा देते आपको बिल्कुल पास से बाबा के मंदिर के। सो चले दीपक, नीम करोली धाम की जय।